अच्छा मुझे बताइएगा, आज पहले इंग्लैंड की टीम जो है वो एक अरसे बाद आ रही है, क्या कहेंगे, कितने खुश हैं यहाँ पे? और जी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि वो आफ्टर 17 ईयर्स यहाँ पर आई है और लोगों में PSL के बाद बहुत ज़्यादा आना शुरू हुए हैं। ये फैमिलीज़ भी मेरे साथ इसीलिए आई हैं कि उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि इतने अरसे बाद टीम्स यहाँ पर आई हैं तो हमने ज़रूर जाना है। तो मुझसे ये लोग लड़ के आए हैं कि हमने जाने जाना है और फैमिलीज़ को साथ लेके जाना है। हाँ जी, मुझे बताएं आंटी कि पूरी फैमिली के साथ मैच देखने आए हैं, वैसे बेटे लाते नहीं हैं। हाँ, मैं यही कह रही थी। किस तरह आई हैं, कितनी वो मेहनत करके? नहीं, मैं एक ही दफ़ा कह कहते हैं ठीक है अम्मी आप चले। अच्छा, हाँ किसको सपोर्ट करेंगी, मेहमान टीम भी आई है? नहीं, मैं तो अपनी ही टीम को करूँगी, जाहिर बात है स्पेशल अपनी ही टीम को करूँगी। ठीक हो गया। हाँ। अच्छा आप मुझे बताएं किसको सपोर्ट करेंगी और क्या कहेंगी, कोई फेवरेट प्लेयर है मैच देख? हाँ ऑब्वियसली पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे, बेशक इंग्लैंड हमारी एक मेहमान टीम के तौर पे आई है, और जो फेवरेट है वो तो फिलहाल शाहीन शाह अफरीदी है और आजकल नसीम शाह। बाकी सारे प्लेयर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, बाबर आजम उनकी बहुत अच्छी जो है होती है, और रिजवान खान। हाँ जी, क्या मुझे बताएं कि क्या कहेंगी, इतने अरसे बाद एक इंग्लैंड की टीम आई है और खुद भी आ रहे हैं कजाफी स्टेडियम काफ़ी दिनों? मैं तो बहुत अरसे बाद आई हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने सालों बाद ये टीम हमारी इधर आई है, और ये है कि ये बड़ा अच्छा है कि दूसरे मुल्क की और भी आएँ टीम्स और हमारे मुल्क में खेलें, और इतना क्राउड देखा है, इतने लोग हैं, तो इंशाल्लाह ताला अंदर कितना एंजॉय करने वाले हैं? बहुत, देखें तो सही। इंशाल्लाह अच्छा एंजॉय करें।